सच के साथ। वैश्विक महामारी कोरोना का ग्रहण, पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे कार्यों पर भी पड़ गया है। शायद यही कारण है कि वाराणसी में स्मार्ट सिटी के तहत हो रहे विकास के कार्य इस समय बहुत ही मंद गति से या अवरुद्ध पड़े हुए हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण है काशी की हृदय स्थली कही जाने वाली गदौलिया क्षेत्र में स्मार्ट सिटी के तहत चल रहा कार्य। कोरोना काल में इस कार्य के बंद होने से स्थानीय लोगों में नाराजगी भी है। इस बाबत स्थानीय पार्षद मनोज कुमार सिंह ने बताया कि इस क्षेत्र की सकरी गलियों में स्मार्ट सिटी के तहत कार्य कराया जा रहा था, जिसके तहत तारों को अंडरग्राउंड किया जा रहा था। वहीं होली के बाद से कार्य धीमी गति से होने लगा था और अब तो इस वैश्विक महामारी के कारण पूर्ण रूप से बंद हो गया है। यहाँ कार्य आधा अधूरा होने के कारण इस मार्ग से आने जाने वाले राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस संदर्भ में पार्षद मनोज सिंह ने बताया कि इस खुदे हुए मार्ग की हालत यह है कि यहाँ आए दिन राहगीर चोटिल हो रहे हैं। पार्षद मनोज सिंह ने नगर निगम प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द इस समस्या से निजात दिलाया जाए, जिससे कि राहगीरों को आने जाने में सुविधा हो सके। ये गली बहुत चलती गली है, आए दिन यहाँ लोग गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं और बरसात का सीजन चल रहा है। ये बरसात का सीजन अब चालू हो गया है, आने वाले समय में और भी बदतर स्थिति यहाँ की हो सकती है। तो मेरी नगर आयुक्त महोदय से ये अपील है कि कोविड की महामारी का कोविड का नियमों का पालन करते हुए और सरकार इस कार्य को जितना जल्द से जल्द हो इसको समाप्त करें और जिससे जो है जनहित के लिए ये चीज़ ज़्यादा बेनिफिट हो। सच के साथ।